खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर और शेफ़ अजय चौहान का प्यार भरा नमस्कार आप सोच रहे होंगे कि इतने बढ़िया दिखने वाले शेफ आज मेरे साथ क्यों हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आज है हमारा ईस्टर स्पेशल और शेफ अजय चौहान इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं मिठाइयाँ जी नहीं मिठाइयाँ नहीं है ईस्टर के लिए आज कुछ चॉकलेट्स बनाते हैं और ख़ास तौर से ईस्टर एग अंडा नहीं पड़ता इसमें देखते हैं कैसे बना सकते हैं ईस्टर एग बनाना है ईस्टर के मौके पर अगर ईस्टर एग घर पे आप बना सके तो उससे बढ़िया बात नहीं है तो अजय कहां से शुरुआत करनी है आ, पहले हम ये चॉकलेट है इसको हम मेल्ट करेंगे डबल पे। डबल बॉयलर बॉयलर पे के ऊपर तो ये जो नॉर्मल चॉकलेट है या कौन सी चौकले? बिटर चॉकलेट है बिटर चॉकलेट ज्यादातर ईस्टर एग में बिटर चॉकलेट यूज की जाती है ठीक है तो इसको ग्रेट इसलिए किया है ताकि जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी इसको काट के मेल्ट किया जा सकता है तो इसका डबल बॉयलर यानी इसमें पानी डाल दिया जाए वो जग में से पानी हम ले लेते हैं चलिए ये पानी ले लिया है और बिटर चॉकलेट जिसे ग्रेट किया हुआ है ये तो यहां पर बिटर चॉकलेट से हम बना रहे हैं अगर मार्केट में क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है कि बिटर चॉकलेट मिले तो अगर कुकिंग चॉकलेट या बिटर चॉकलेट ना मिले तो क्या इसको हम घर पे नहीं बना सकते हैं नॉर्मल चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं खैर बढ़िया बनता है बिटर चॉकलेट से और यहाँ पर इसे हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया है ये वाटर बाथ यानी ये पानी हमने रखा है और इसके थ्रू चॉकलेट को हम गर्म कर रहे हैं तो ऐसे क्यों इसको गर्म कर रहे हैं अजय क्योंकि अगर डायरेक्ट हम गैस के ऊपर मेल्ट करेंगे तो उसका जलने का डर रहेगा चॉकलेट जल जाती है वैसे इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट किया जा सकता है लेकिन एक हिदायत दे देता हूँ कि माइक्रोवेव में अगर आप इसे मेल्ट कर रहे हो तो आप माइक्रोवेव की जो पावर है उसे कम कर दें करीब 60% परसेंट या 70% परसेंट के ऊपर आप इसको मेल्ट करें और एक मिनट पहले आप रखें माइक्रोवेव के अंदर अगर उसमें नहीं पिघले तो 20 बीस सेकंड करके फिर आप माइक्रोवेव के अंदर डालें ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी बीच बीच में चलाते रहें तो हम इसमें थोड़ा कोको बटर डालेंगे कोको बटर खैर क्योंकि चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो सबको बता देते हैं कि चॉकलेट कैसे तैयार होती है चॉकलेट कोको से बनती है कोको दिखने में कैसा होता है यदि आपने नहीं देखा है तो कुछ किताबें देखें इंटरनेट पर जाएं हो सकता है कि अगली बार कभी मैं चॉकलेट का कोई एपिसोड करूं तो उसमें आपको कोको ला दिखाऊं कि कोको दिखने में कैसा लगता है और उसमें से क्योंकि कोको का जो फैट कंटेंट है काफ़ी हाई होता है जैसे बादाम का तेल होता है ऐसे कोको के अंदर भी तेल होता है फैट होता है और उसी से बनता है ये कोको बटर और वो शॉप जहाँ पर चॉकलेट बनाने का सामान मिलता है चाहे वो मोल्ड हो या कुकिंग चॉकलेट हो वहाँ पर कोको बटर भी मिल जाता है और कोको बटर से हार्डनिंग यानी वो जो सखत होना है चॉकलेट का वो जल्दी होता है इसलिए कोको बटर इसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी ये बोल भी गर्म है हाँ। इसे बाहर निकाल लेते हैं इसे बंद कर दें जी चलिए और इसको एक सर्टन टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है हाँ हाँ तो ये, ये क्या ये चॉकलेट इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसको ठंडा करना है जब ये चॉकलेट मेल्ट होना बंद हो जाएगा तो आ, इसका मतलब है चॉकलेट ठंडा हो चुका है ओके तो इसके अंदर एक चॉकलेट का टुकड़ा डाल दें और जब वो मेल्ट होना बंद हो जाए इसका मतलब है चॉकलेट ठंडा हो चुका है इसको बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना होता मतलब जब तक ये चॉकलेट मेल्ट होना बंद हो जाए मतलब ठंडा हो चुका है वो अब ये मेल्ट होना बंद हो चुका है इसका मतलब ये चॉकलेट ठंडा हो चुका है और इसका इस समय टेम्परेचर कैसा है इसको दो तरीके से देखा जाता है या तो फिंगर से या फिर लिप ओके okay. इसको आप दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं आप यहां पे लगा सकते हैं इधर हाथ पे आप लगा के देखें या लिप के ऊपर इसका मतलब है कि सेंसिटिव जगह जहाँ पर हीट आप बहुत जल्दी सेंस कर सकते हैं वहाँ पर लगाकर अगर ये आपको जले नहीं और गर्म ना लगे तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर ठीक है ठंडा भी नहीं होना चाहिए गर्म भी नहीं होना चाहिए यही है ट्रिक चॉकलेट मेकिंग की तो ये चॉकलेट तो तैयार हो गई है तो ईस्टर एग के लिए ईस्टर एग के लिए अभी दो मोल्ड चाहिए हमें ये अंडे की शेप के मोल्ड हैं एलूमिनियम के तो ये जो मोल्ड हैं इस पे हमने कुछ लगाया हुआ है कुछ तेल वगैरह इस पे कोको बटर लगाया है कोको बटर ठीक से डिमोल्ड हो जाए आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा अब हम इसको ठंडा करेंगे बर्फ लेकर उसमें हमने ठंडा करना है अब ये ठंडा हो चुका है इसको बाहर निकाल देंगे ओके अब ये ठंडा किया हुआ चॉकलेट हम मोल्ड में डाल देंगे इसको फैला देना है चॉकलेट डाल के और फिर इसे सेट करने के लिए बर्फ में रखना है अब इसमें चॉकलेट हमने थोड़ा खाली करना है पतला लेयर करने के लिए तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हमने निकाल देना है ताकि इसका जो लेयर है वो एकदम फाइन रहे ये लेयर तैयार हो गई है पाँच दस मिनट इसी में रहना चाहिए इसे ताकि नीचे से पूरा सेट हो जाए अब जो इसकी तरफ चारों तरफ चॉकलेट जमी हुई है इसको हमने निकालना है ये जो किनारे में चॉकलेट है ताकि दोनों को ठीक से जोड़ा जा सके इस समय कटाई छटाई का, का काम चल रहा है सफाई हो रही है थोड़ी ताकि जो अंडे बने ईस्टर एग्स बने वो अच्छी शेप के बने और ईस्टर एग के अंदर काफी सारी चीजें डाली जाती हैं जिसको तोड़ के बच्चे बहुत खुश होते हैं जैसे मार्जी फ्रूट हो गया चॉकलेट्स हो गई जेम्स हो गया कुछ भी डाल सकते हैं यानी इसके अंदर टॉफी चॉकलेट तरह तरह की कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं छोटी चॉकलेट्स हैं बड़ी हैं खैर जो आपको मिले वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे हाँ सेट हो चुका है ठीक है तो इसको डीमोल्ड करना है थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से साफ कर लें और थोड़ा सा गर्म करें लेकिन ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है ये आधा अंडा तैयार हो गया है तो इसको अलग से रख देते हैं ये प्लेट के अंदर और ये दूसरा हाफ और अब क्या करना है अब हम इसमें फिलिंग करेंगे हम्म तो अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देते हैं अंडा तैयार हो गया लेकिन ये अब पूरा रेडी है क्या नहीं अभी पूरा रेडी नहीं है अभी थोड़ा इसमें वाइट चॉकलेट डेकोरेशन करेंगे व्हाइट चॉकलेट का डेकोरेशन करेंगे और ये जुड़ेगा कैसे व्हाइट चॉकलेट से ही व्हाइट चॉकलेट से ही जुड़ेगा चलिए तो ये व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है हमने वैसे व्हाइट चॉकलेट भी बाजार में मिल जाती है और यदि व्हाइट चॉकलेट आपको ना मिले तो ये जो चॉकलेट है आप उससे भी इसको तैयार कर सकते हैं और जब तक शेफ इसकी कोन तैयार करते हैं ये पाइपिंग बैग तैयार हो रहा है ये देखिए कोनिकल शेप में तब तक मैं आपको बता देता हूं यदि आपके पास व्हाइट चॉकलेट है तो आप इसी तरह से उसे तैयार करें और इसको जब आपने प्री कूल किया है आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी वाइट चॉकलेट रख सकते हैं इस तरह से ये देखिए और मार्बल इफेक्ट कुछ, भी दे सकते कुछ हैं कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी डिजाइन कर, कर सकते हैं आप पाइपिंग बैग से इसमें डालें ये तो मैं चम्मच से डाल रहा हूं और इसको ठंडा कर लें और बाद में चॉकलेट डालें जब ये एक बार जम जाएगी और ऊपर से आप चॉकलेट डालेंगे तो आप देखेंगे जब डीमोल्ड करेंगे तो वाइट और दूसरी जो चॉकलेट है दोनों का रंग आपको दिखेगा चलिए इस पाइपिंग बैग के अंदर व्हाइट चॉकलेट अब हम इसको डेकोरेट करेंगे सिर्फ व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके ऊपर से हम डेकोरेट कर रहे हैं ये तो ऊपर डॉट्स लगा दी लेकिन जोड़ने वाला जो काम है वो नहीं किया है वो डेकोरेशन करने से पहले उसको जोड़ना चाहिए डेकोरेशन करने से पहले खैर घबराने की कोई बात नहीं है ये मैं ध्यान से अगर ऊपर उठा लूं तो लीजिए पाइपिंग आप चॉकलेट की लगा लें व्हाइट चॉकलेट हो तो व्हाइट नहीं तो जो नॉर्मल चॉकलेट है आप उसको भी रख सकते हैं और अब ये जो चॉकलेट है ये एडिसिव का काम करेगी जैसे गोंद रहती है वैसे ही ये आपस में इसको जोड़ देगा जो चॉकलेट थोड़ा बाहर निकला है उसको नाइफ से काट के बराबर कर दीजिए ओके okay. और इसको अभी ठंडा होने के लिए रखना है नहीं ये रेडी है ये रेडी है ये रेडी है तो इसको ऐसे खाया जा सकता है लेकिन अगर इसको कुछ दिन तक रखना है तो इसको रैप कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो रैप जैसे वो चॉकलेट के जैसे कलरफुल एलिमेंट पेपर या कलरफुल पेपर मिलते हैं हाँ उसे हाँ, रैप किया जा सकता है हाँ जैसे वो पन्नी टाइप की मिलती है चॉकलेट के ऊपर रैप करके आप रख सकते हैं इसे और आप जब भी इसको बनाएं तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएं क्योंकि सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं अपने रिश्तेदारों दोस्तों उनके बच्चों के लिए भी बनाएं तभी मज़ा आता है क्यों शेफ़ जी जरूर ज़्यादा बनाने चाहिए ना जी तो कितने बनाने चाहिए कम से कम अगर दस बच्चे हैं कम से कम पचास तो बनाना ही चाहिए दस बच्चे हैं तो वह बनाने चाहिए वाह ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बना सकते तो शेफ़ से कॉन्टैक्ट करें और ये आपको बना के देंगे आसानी से यहाँ पर हमारे स्टूडियो के इन्वामेंट में क्योंकि यहाँ पर इतनी लाइट्स होती हैं इतनी गर्मी होती है चॉकलेट के साथ क्योंकि इसे ठंडा करना पड़ता है काम करना आसान नहीं होता है लेकिन फिर भी आसानी के साथ ये बना दिए गए हैं ईस्टर एग आप सबको हमारी तरफ से मेरी तरफ से शेफ़ चौहान की तरफ से ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बेटर चॉकलेट 15 ग्राम कोको बटर 20 जेम्स 10 टॉफी और 100 ग्राम वाइट चॉकलेट इसके लिए आप चॉकलेट को ग्रेट करके डबल बॉयलर के अंदर डालें और इसके साथ इसमें कोको बटर डालकर इसे अच्छी तरह से उगला लें अब इसे निकाल कर एक चॉकलेट का टुकड़ा डालकर इसमें मिक्स करें और इसे तब तक मिलाएं जब तक ये टुकड़ा पिघलना बंद ना हो जाए और एक एल्युमिनियम के सांचे में कोको बटर लगाकर उसे बर्फ के पानी पर रखकर थोड़ा ठंडा करें इसके बाद इसके अंदर चॉकलेट के मिक्सचर को डालकर फैला दें और इसे बर्फ के अंदर डालकर रखें और जब इसके अंदर चॉकलेट थोड़ी कोट हो जाए तब इसके अंदर से बाकी बची चॉकलेट हाथ से निकाल लें और इसको दोबारा बर्फ पर रखकर सेट करें इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर इसमें टॉफी और जेम्स को डालें और इसे कवर कर दें और एक पाइपिंग बैग में पिघली व्हाइट चॉकलेट लेकर इसके ऊपर डॉट्स लगाएं और इसके किनारों पर भी ये सॉस लगाएं और इसे चिपका लें और इसे फ्रिज में रखकर सेट करें खाना खजाना के आज के ईस्टर स्पेशल में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज मेरे साथ हैं शेफ चौहान अभी आपने देखे ईस्टर एग कैसे बनाए जा सकते हैं अब क्योंकि काफी सारी हमारे पास चॉकलेट है इसे थोड़ा सा और गर्म कर लिया है तो शेफ इसका क्या-क्या बना सकते हैं यह जबकि चॉकलेट बचा हुआ है हाँ? हम इसे आलमंड रॉक काशुनट रॉक या पिस्ता रॉक्स ये बना सकते हैं आलमंड रॉक काशुनट रॉक या पिस्ता रॉक चॉकलेट बची हुई है ये चॉकलेट तो ये पहले ठंडा हुआ ही है हाँ हाँ अब इसमें हम ठंडा किया हुआ रोस्टेड काजू रोस्टेड पिस्ता ये सब डाल के इसके रॉक्स बनाएंगे चलिए तो ये चॉकलेट तो रेडी लग रही है ये दोनों ही ठंडे हैं कोई तो भी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए दोनों के बनाते हैं पहले हम काजू का बनाएंगे ठीक है ये पूरे काजू हैं रोस्ट किए हुए और ये जो काजू हैं ये भी गर्म नहीं होने गर्म नहीं होने चाहिए नहीं तो वो, वो टेम्पर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा बिल्कुल वैसे इस तरह से जब आप चॉकलेट को टेम्पर करना सीख जाएँ उसके बाद घर में चॉकलेट बनाना बहुत आसान है क्योंकि आप मोल्ड ले सकते हैं और मोल्ड में ये चॉकलेट डालते जाएं और थोड़ा ठंडा करें और डीमोल्ड कर लें चॉकलेट तैयार घर में बनी हुई चॉकलेट तैयार जितनी चॉकलेट ज़्यादातर आपने देखा होगा घरों में लोग चॉकलेट बनाकर बेचते हैं वो ऐसे ही बेचते हैं कितनी आसान है बहुत ही सिंपल है तो इसमें अब ये डाल इतना इतना काजू डालना है ताकि चॉकलेट इसमें पूरा कोट हो जाए पूरी अच्छी तरह से कोट आना चाहिए अब हम इसे किसी बटर पेपर के ऊपर रखेंगे बटर पेपर के ऊपर तो चलिए ये बहुत अच्छा मोटा वाला बटर पेपर है आप कोई भी साइज़ के चॉकलेट बना सकते हैं और ये रॉक्स के शेप में क्योंकि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता थोड़े उबड़ खाबड़ शेप की ये चॉकलेट होती है लेकिन खाने बहुत मजेदार होती है क्योंकि होल नट्स इसके अंदर रहते हैं खैर चॉकलेट तो हमने बना लिए काजू की ये चॉकलेट रॉक्स हैं इसी तरह से आमन का बना सकते हैं, का बना सकते हैं। तो यहां पर चॉकलेट पड़ी हुई है खैर इसकी गार्निश कैसे करनी है आ, वही वाइट चॉकलेट से वाइट चॉकलेट की पाइपिंग सिर्फ ऊपर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं और कुछ बचा हुआ काजू ऊपर डाल सकते डाल हैं, हैं। सफ़ेद काजू भी नजर आए और काजू रखने के बाद वैसे तो नीचे से भी चिपक जाएगा लेकिन ऊपर से भी वाइट चॉकलेट डाल दें पाइपिंग एकदम पतली बनानी है और इसी तरह से यहाँ पर पिस्ताशु हैं रोस्टेड उसको भी इसके अंदर हम डालते हैं ये चॉकलेट थोड़ा गर्म लग रहा है इसे आप ठंडा कर लें और अब ये चॉकलेट ठंडा हो चुका है इसमें हम डालते हैं रोस्टेड पिस्ताशुनट और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और जैसे हमने काजू के रॉक्स बनाए थे पिस्ताशूनट यानी पिस्ता के रॉक्स बनाएंगे हम बहुत बढ़िया लग रहा है ये दिल कर रहा है कि ऐसे ही खा लिया जाए क्यों शेर इसको हाथ से भी बना सकते हैं हाथ से भी बना सकते हैं चलिए हाथ से बनाइए या स्पून या फोर्क से हाथ से थोड़ा जल्दी भी बनेगा और बराबर पोशन बनेगा ये रॉक्स तैयार हो गए हैं और इसे भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे ये खाने के लिए तैयार है और इसको भी रैप करके रखा जा सकता है क्यों सर जी सर तो पिस्ता हो गया काजू हो गया बादाम इसी तरह से किया जा सकता है और मोल्ड में भी डालकर इस चॉकलेट को इस तरह से शेप दी जा सकती है शेप दी जा सकती है यानी चॉकलेट बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है इसका मेन जो है काम है वो टेम्पर करना है अगर टेम्पर ठीक से नहीं हुई है तो आप समझिए आपकी मेहनत बिल्कुल ख़राब हो गई मतलब जो आपने मेल्ट करके चॉकलेट को ठंडा किया है वो ठीक होना चाहिए अगर आपने वो सीख लिया उसके बाद चॉकलेट को सिर्फ शेप देना है क्योंकि अगर ऐसा होता है कि टेम्परिंग ठीक नहीं हो आपको लगेगा उस समय तो ठीक बन रही है लेकिन वो हो सकता है हार्ड भी हो जाए फ्रिज में रखने के बाद लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो अगर ऐसा करने से आपने बचना है तो टेम्परिंग ठीक करना सीखें और उसके बाद आप बनाएं चॉकलेट अपने लिए अपने परिवार के लिए और नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया आप शेफ़ को बुला सकते हैं अपने पास बुला सकते हैं ना देखिए आज हम लेके आए हैं शेफ चौहान को आपके घर में और इसी तरह से आगे भी लेते आएंगे बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ और मेरी और शेफ चौहान की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकिन हमारे आज का कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स उसके बाद इसका एक रिकैप और मैं तैयारी करता हूं एक चिकन की एप्रिकॉट चिकन ईस्टर में बना के देखिए बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए हमें चाहिए सौ ग्राम चॉकलेट तीस भुने बादाम चालीस भुने पिस्ते तीस भुने हुए काजू और पचास ग्राम वाइट चॉकलेट इसके लिए आप चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघलाकर थोड़ा ठंडा कर लें इसके बाद इसके अंदर रोस्ट किए हुए काजू पिस्ता या बादाम डालकर इसे कूट करें और इसे किसी बटर पेपर के ऊपर निकाल लें और इन चॉकलेट को व्हाइट चॉकलेट से सजाएं यदि चाहें तो इसके ऊपर काजू पिस्ता या बादाम रखकर सजाएं और इसे ठंडा करके सेट करें वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर आज के इस ईस्टर स्पेशल में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी तक आपने देखा किस तरह से ईस्टर एग बनाया जा सकता है और उसके बाद हमने देखा आमन रॉक वैसे आमन रॉक चॉकलेट तो हमने बनाई नहीं हमने पिस्ता के साथ बनाई और काजू के साथ खैर बहुत आसानी से बनाई जा सकती है अगर आपको उसकी थोड़ी सी ट्रिक्स मालूम हो हमारा कार्यक्रम देखते रहें और आपको सारी ट्रिक्स मालूम पड़ जाएंगे अब बारी आती है एप्रिकॉट चिकन की सबसे पहले आप बटर ले लें और इसके बाद इस बटर में आप ये कैप्सिकम को सौते कर लें यह जो कैप्सिकम है इसे हमने पतला पतला काटा हुआ है लंबा लंबा बिना बीज के थोड़ा सा नमक और इसके साथ इसमें डालें बादाम ये स्लाइस किए हुए बादाम हैं, जिसे पहले हमने ब्लांच किया हुआ है इसे कम कर देते हैं और अब आप इसे निकाल लें इस प्लेट के अंदर ये जो डिश है चिकन की बहुत ही सिंपल है बहुत आसान है आप देखते जाएंगे कि किस तरह से ये डिश बन सकती है इसे हम प्लेट में फैला देते हैं एक बार फिर मक्खन और मक्खन जब पिघल जाए तब आप इसके अंदर डालें ये ब्राउन शुगर क्योंकि इसमें हमने एप्रिकॉट डालने हैं तो ये जो डिश है थोड़ी मीठी होगी लेकिन आप देख रहे हैं ब्राउन शुगर भी हमने डाली है इसका मतलब है थोड़ी और ज़्यादा मीठी होगी और चीनी डालकर थोड़ा सा हमने इसे हिलाना है इसके साथ इसमें डालें आप चिकन ये बोनलेस चिकन हमने लिया है वैसे यदि आप चाहें तो इसमें चिकन आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं नहीं तो पूरे चिकन की ब्रेस्ट ले सकते हैं इसमें चिकन को आप ज्यादा पकाएं नहीं थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें हम डालेंगे पोट वाइन अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और पेपर कुटी हुई काली मिर्च ये लगती तो वाइन की बोतल है लेकिन है पेपर मिल्क ये जो चिकन है बहुत ही सिंपल चिकन है इसमें हमने जो सॉस भी है वो एप्रिकॉट से ही बनानी है जब पोट में आप इसे थोड़ी देर तक पका लें उसके बाद इसके अंदर डालें एप्रिकॉट का प्यूरे जो ड्राइड एप्रिकॉट्स रहते हैं यानी जर्दालू रहते हैं आप उसको कुछ देर पानी में स्ट्यू कर लें यानी कि पानी के अंदर उबाल लें पानी फेंके नहीं लेकिन छान कर जो जर्दालू हैं जो एप्रिकॉट्स हैं ड्राइड वाले उसमें से उसके बीज निकाल लें और थोड़ा पानी डाल के इसका प्यूरे बना लें इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे और इसके साथ इसमें आप कुछ स्ट्यूड एप्रिकॉट्स भी डालें पीसेस उसके जिसमें से बीज निकले हुए हों क्योंकि ये जो चिकन की डिश है काफी मीठी है थोड़ा सा खट्टापन वाइन की वजह से होगा नमक तो हमने डाला ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और डाल देते हैं इसमें से काफी कम निकल रही थी तो चलिए अपना देसी तरीका ये काली मिर्च कुट गई है अब इसमें हम डालेंगे अब ये डिश तैयार है इसको सर्व करने के लिए ये जो प्लेट हमने तैयार की है जिसमें कैप्सिकम और आमंड यानी जो शिमला मिर्च और बादाम है जिसे हमने मक्खन के अंदर हल्का सा सौते किया है उसके ऊपर ये एप्रिकॉट सॉस वाले चिकन को सर्व करेंगे ऊपर से थोड़ा सा आप चाहें तो बादाम डाल सकते हैं काली मिर्च कुटी हुई डालें और इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी ब्रेड के साथ खा सकते हैं नहीं तो राइस के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगेगी खा के देखें बहुत टेस्टी है बहुत अच्छी है डिलीशियस है और बार बार बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमें चाहिए पाँच ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस चार बड़े चम्मच मक्खन दो पतली और लंबी कटी शिमला मिर्चें नमक स्वाद अनुसार दो बड़े चम्मच ब्लांच किए हुए कटे बादाम, आधा कप ब्राउन शुगर दो बड़े चम्मच पोर्ट वाइन एक छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें और एक कप खुरमानी इसके लिए आप खुरमानी को गर्म पानी के अंदर दस मिनट तक भिगो कर रखें और इसके बीज निकाल लें और आधी खुरमानी की प्यूरी बना लें और एक पैन में एक बड़ा चम्मच मक्खन लेकर इसमें कटी शिमला मिर्च डालकर सौते करें इसके साथ इसमें ब्लांज किए हुए कटे बादाम डालकर भूनें और इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल कर फैला दें अब एक पैन में बाकी बचा मक्खन लेकर इसके अंदर ब्राउन शुगर डालकर पिघला लें इसके साथ इसके अंदर चिकन के पीसेस को डालकर भून लें अब इसके अंदर वाइन डालकर मिक्स करें और इसमें नमक और कुटी काली मिर्च डालकर मिलाएं इसके साथ इसमें खुरमानी की प्यूरी और खुरमानी को डालें यदि चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें और इसे पका लें और जब चिकन पक जाए तब इसके अंदर कुटी काली मिर्चें डालकर इस मिक्सचर को सौते की हुई शिमला मिर्च के ऊपर डालें और इसे बादाम से गार्निश करके सर्व करें